कल मैंने एक इसका समय रहने का लेटेस्ट एपिसोड देखा था जिसका नाम था इंडिया गॉट लेटेंट। ठीक है, तो यार उसमें एक बंदा आया और मैं काफ़ी सारे मतलब बंदे एक्चुअली उसका ये होता है कि कोई भी रैंडम एक्टर आके या फिर अपना कोई भी आर्टिस्ट आके कुछ भी परफॉर्म करता है, दैट कैन बी लाइक आर्टिस्ट, डांसिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर, जोक्स, स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ भी, मोनोलॉग, कुछ भी कर सकता है उसमें। समय राणा के ना 6-7 मंथ में आई गेस 4 या 5 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन भाई के व्यूज जो थे वो 6 महीने वाले में अब जाके 4 कुछ मिलियन हुए हैं। लेकिन अभी इन्होंने कल डाला था एक वीडियो, उस वीडियो में भाई 21 घंटे के अंदर 21 आवर्स के अंदर उस बंदे के 4 समथिंग मतलब मोर देन फर्स्ट वीडियो उससे ज़्यादा व्यूज आ गए। बट ये कैश नहीं है, कैश यार ये है, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पता नहीं ये कोलैबोरेशन है या ये बंदे की मतलब स्पेशलिटी है क्या है। तो उसमें एक बंदा आया था जिसका नाम था नमन अरोड़ा, एंड नमन अरोड़ा इज अ गाय हु क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू द मतलब इट्स लाइक मैं भी एकदम शॉक में हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आप एपिसोड लेटेस्ट एपिसोड देखोगे ना, उसमें नमन अरोड़ा जब आएगा तो बहुत बेसिक सा क्लोथ पहन रखा है उसने, बहुत ही बेसिक सा मत पहन रखा है, पजामा, लिटरली लोअर वाला पजामा पहन रखा है उसने। ठीक है, तो आया एंड उसने ना एक अलग सा ही अपना कैरेक्टर क्रिएट किया था, एंड वो कैरेक्टर थोड़ा सा लाइक इंग्लिश नहीं बोल पाता है, एंड उसके बाद फिर मतलब ऐसा सा है कि उसको कुछ पता नहीं है लेकिन वो जोक कर रहा है। ठीक है, एंड उसके सारे जोक्स बहुत अमेजिंग थे, भी उसने इतना अच्छा करा कि उसको सेकंड टाइम बुला के स्टेज पे परफॉर्म कराया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये समय रहना कि ये कोलैबोरेशन ट्रिक है फॉर द प्रमोशन, और नमन अरोड़ा की अपनी खुद की स्ट्रेटजी है टू गेट द नमन अरोड़ा को भी कोई नहीं जानता था, मैक्सिमम नमन अरोड़ा को कोई नहीं जानता था। लेकिन अब आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो यूट्यूब पे उसके अब मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, बट नमन अरोड़ा के नाम पे अराउंड नहीं भी तो अब 20 से ज़्यादा वीडियो आ चुकी है, वो भी कल परसों तक में, परसों रिलीज हुई थी उसकी वाली वीडियो, एंड कल वीडियो बनी और आज मैं बना रहा हूँ। सो ही इज दैट गाय, वो भाई इतना देसी क्या है, ही इज अ प्रोफेशनल एक्टर, और उसने एक नहीं दो नहीं कम से कम नहीं तो 7 या 8 डेली एपिसोड में डेली शोप्स में काम कर रखा उसने। डेली शोप्स में काम करने के साथ उसने एक मूवी में वरुण धवन के साथ एक्ट कर रखा है, वो भी अराउंड 3 मिनट्स का एक्ट है वो, वहाँ पे वो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, नॉट एज अ साइड कैरेक्टर। तो वो बंदा, एंड आप उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे ना, मतलब जस्ट लाइक मैं आपको आफ्टर दिस वीडियो मैं आपको शो करूँगा कि हाउ ही इज लुकिंग एंड हाउ ही बिकम टू डू द एक्ट, आप देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा यार। तो मैं जो अब मेरे को एक चीज कन्फर्म नहीं था, मतलब अभी भी कन्फर्म नहीं है कि ये नमन अरोड़ा एंड इसका कोलैबोरेशन है कि मतलब यार देखो। और उस बंदे ने फिर समय रहना ने ना उसको 7 सितंबर के लिए अपने पास इनवाइट ओपन इनविटेशन दे दिया कि आप 7 सितंबर को उसका कोई शो होने वाला होगा, तो उसमें उसने ओपन इनविटेशन किया था, कह रहा है एक और स्ट्रेटजी दिख गई। तो आई गेस, और तो ये मार्केटिंग का बड़ा अच्छा मेरे को वो लगा स्ट्रेटजी, जिसमें कि वो किसी एक पॉपुलर बंदे को इस तरीके से बुलाता है या वो बंदा खुद ही इस तरीके से आता है, मतलब इसमें दोनों की मार्केटिंग हो सकती है, मार्केटिंग इन द सेंस दोनों की स्ट्रेटजी हो सकती है, या तो कोलैबोरेशन है या तो एक इंडिविजुअल की मतलब अपने आप को इतना सर्च करवाना या फिर अपने आप को हिडन एक्ट करके इस तरीके से दिखाना, कुछ भी हो सकता है यार। बट रियली आई लव्ड इट, आई रियली रियली लव्ड इट। और उसका एक जोक मेरे को याद रह गया है, वो ये है कि उसने मेरे लिए दिन मोड़ा, उसने मेरे लिए दिल मोड़ा, लेकिन मैंने नहीं मोड़ा, नहीं मोड़ा, नहीं मोड़ा। अरे यार फक मैन, बहुत अमेजिंग था यार ये ना, ये जब मतलब उसने लास्ट टाइम में जब भी क्रिएट किया था, बड़ा मजा आया यार। आई लव्ड इट, आई लव्ड दैट गाय, एंड
यस दिस इज ऑल एंड मैं आपको अब वीडियो दिखाता हूँ कि उसने क्या एक्ट किया था, कैसे वो बन के आया था और वो कैसे एक्चुअल में है. तो वॉच टिल द एंड. थैंक यू. सी यू अगेन. करके ड्राई फ्रूट्स को सुखा सुखा के ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं और हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भिगो भिगो के खा रहे हैं. मेरे को बहुत फनी लगता है ये वाला. नहीं फिल्म में किया आपने? फिल्म में कौन सी फिल्म में किया? मैंने किया है वैसे थोड़े थोड़ा. कौन सी जो लास्ट कोई जो किधर ओटीटी पे है या कोई थिएटर में आई है जहाँ पे हम देख सकते हैं? नहीं इतनी ऐसे फेम है थोड़ा सा. जैसे जुग जुग जियो करी थी मैंने. ओ उसमें तो थोड़ा सा था ना वो. हाँ ठीक हो? गुड. नैना. हाँ. हाय नैना, हैप्पी एनिवर्सरी. हैप्पी हैप्पी. थैंक यू थैंक यू.